देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरह सील किया गया। दिल्ली से गाजियाबाद में रोकी गई एंट्री। दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री रोके जाने पर बॉर्डर पर अफरा तफरी, लगा लंबा जाम, लोग दिखे परेशान। डीएम के आदेश के बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस ने बैंक कर्मी, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, गृह मंत्रालय से जुड़े कर्मचारियों को रोका। गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, कोरोना पीड़ितों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली यात्रा से जुड़ी होने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला, दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री बैन। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रामप्रस्थ बिल्डर की ओर से गरीब और जरूरतमंदों को दिया जा रहा है भोजन। रामप्रस्थ ग्रीन कैंपस में भोजन का इंतजाम, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। राष्ट्रपति भवन पहुंचा वायरस, एक कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद 125 परिवार किए गए क्वारंटीन। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, देश भर में अब तक 18,601 संक्रमित, 590 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में 3,252 लोगों ने अब तक जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र, 4,666 मामले, अब तक 232 की मौत, 572 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। मुंबई में 171 में से 53 पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, ज्यादातर लोग में नहीं दिखे थे कोरोना के लक्षण। बीएमसी के 2 कर्मचारियों में भी नहीं दिखे बीमारी के लक्षण, रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में 78 बीमार, अब तक 2,081 संक्रमित, 47 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 84 हॉटस्पॉट घोषित, सीपी में आयुष्मान भारत का दफ्तर भी सील, कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। चांदनी महल इलाके में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 8 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी में एक दिन में 84 नए मरीज, अब तक 1,184 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि, 18 लोगों की जा चुकी है जान। इंदौर में एक और थाना प्रभारी की कोरोना से हुई मौत, कोरोना पीड़ित यशवंत पाल की मौत। 59 साल के यशवंत पाल अंबर कॉलोनी के कैंट एरिया में कर रहे थे ड्यूटी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 10 दिन से अरविंदो अस्पताल में भर्ती। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में पुलिस के एक चौकीदार को मिली ड्यूटी निभाने की सजा, अररिया में कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने चौकीदार को कराई उठक बैठक। कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे पुलिस के इस चौकीदार की खता सिर्फ ये थी कि इसने लॉकडाउन में बाहर निकले कृषि अधिकारी की गाड़ी को पूछताछ के लिए रोक लिया था। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच राहत के राशन की हो रही है कालाबाजारी, गांव वालों ने अधिकारी को बनाया पत्थर। यूपी में हॉटस्पॉट बना आगरा, अब तक 241 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, लखनऊ में 167, नोएडा में 100 मरीज। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले, 46 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन सख्त, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील, दोनों शहरों के बीच आने जाने पर पाबंदी। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक 1,939 लोग बीमार, 71 लोगों की गई जान। राजस्थान में अब तक 1,576 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 98 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना हॉटस्पॉट बना जयपुर, अकेले रामगंज इलाके में 565 संक्रमित, अब तक 8 की मौत, 24 घंटे में 75 से ज्यादा मामले आए सामने। मेघालय में हालात बेहतर, अब तक 12 लोगों में कोरोना संक्रमण, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किया ट्वीट, 11 मरीजों की हालत स्थिर। उड़ीसा में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज, 74 लोग हो चुके हैं संक्रमित, पश्चिम बंगाल से जुड़े 24 मरीजों के साथ। कर्नाटक के डीजीपी की फटकार के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लागू, लॉकडाउन का ठीक से पालन न कराने पर पुलिस कमिश्नर को लिखा था खत। तमिलनाडु में 17 लोगों की मौत, 24 घंटे में 43 नए मरीज, अब तक 1,520 लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में भी फैल रहा है वायरस, अब तक 392 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 12 मरीज गंवा चुके हैं जान। केरल में कोरोना से 3 लोगों की मौत, कोरोना पीड़ित का आंकड़ा 408 तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 78 नए मामले, 74 पीड़ितों की मौत, अब तक 1,485 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 20 मरीजों की मौत, अब तक 722 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कर्नाटक में अब तक 408 लोग कोरोना से पीड़ित, 16 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान में प्रवासी मजदूर और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री से की अपील, कहा अपने लोगों को वापस बुलाना चाहती है राज्य सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा यूपी की तरह झारखंड को नहीं मिल रही छात्रों की वापसी की इजाजत। गुजरात के पूर्व विधायक रतन भाई थम्मर ने पीएम केयर फंड में 51,000 रुपए दान किया, प्रधानमंत्री ने 99 साल के बुजुर्ग को फोन कर व्यक्त किया आभार।
दिल्ली के रूपनगर इलाके में राशन डीलर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। राशन डीलर संघ ने कहा पीड़ित की दुकान से जुड़े हैं 1673 कार्ड। नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती। लखनऊ कमिश्नरी में तैनात पुलिसकर्मियों को लंबी ड्यूटी से राहत। 8 घंटे करना होगा काम। बीमार पुलिस वालों की हॉटस्पॉट एरिया में नहीं लगेगी ड्यूटी। एटा में स्वास्थ्य कर्मियों ने सोशल मीडिया पर खोली व्यवस्थाओं की पोल। बागवाड़ा अस्पताल में नहीं है सेफ्टी के इंतजाम। मरीजों को नहीं मिल रहा है खाना। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे राजीव कुमार शर्मा। बरेली में कोरोना संकट के बीच आसमान से गिरी बिजली। 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के बांदा में 12 साल के बच्चे ने पीएम केयर फंड में डोनेशन की तोड़ी गुल्लक। 2385 रुपए का किया दान। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सांसद अजय मिश्रा और एसडीएम ने लोगों में बांटी राशन किट। जोश में भूले सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजीपुर में कोरोना का एक और मामला सामने आने के बाद हरकत में आए डीएम। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़क पर उतरे। लॉकडाउन के बीच अमेठी पहुंचा शहीद उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर। उरी में हिमस्खलन के दौरान गई थी जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना संकट के बीच डीएम और डॉक्टर के बीच कहा सुनी। कलेक्टर के खिलाफ एक्शन की मांग। डॉक्टरों से अपशब्द बोलने का आरोप। आगरा के एसएल मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को दिया जन्म। डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर का ताली बजाकर किया गया सम्मान। लॉकडाउन की सख्ती के बीच बेखौफ बदमाश। गांजा न मिलने पर हिस्ट्री शीट और बदमाश ने फोड़े बम। भीलवाड़ा में महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी। कर्फ्यू के दौरान सड़क पर घूम रहा था एक शख्स। हाथापाई का वीडियो वायरल। लॉकडाउन के बीच जारी है शराब तस्करी। यूपी के देवरिया में फॉर्चूनर में ले जाई जा रही थी 3 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। दरभंगा में नशे की हालत में पकड़े गए बीडीओ डीएम के आदेश पर गिरफ्तारी। गाजीपुर में संक्रमण प्रभावित इलाकों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। कोरोना मरीज सामने आने के बाद 6 इलाके सील किए गए। जोधपुर में कांस्टेबल ने थाने में मनाई शादी की सालगिरह। पार्टी की जगह चॉकलेट बांटकर मनाया जश्न। पटना में लॉकडाउन के बीच फायरिंग, एक युवक घायल। गोली चलाने वाले को पुलिस ने पकड़ा। कोरोना संक्रमण के बीच पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ी। सीतामढ़ी में अज्ञात बीमारी से हो रही है बकरियों की मौत। कोरोना कनेक्शन की आशंका से दहशत का माहौल। अमृतसर में गेहूं की कटाई का काम तेज। खेतों में रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। जबलपुर में कोरोना के 5 नए मामले, एक ही परिवार के हैं 4 मरीज। बेंगलुरु में स्वस्थ होकर घर लौटे एक शख्स से स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस की कोशिशों को सराहा। कहा हमला नहीं कोरोना वॉरियर्स का करें सम्मान। हैदराबाद में एमआईएम विधायक को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। संक्रमण प्रभावित इलाके में बांटी थी राहत सामग्री। गाजीपुर पहुंचे कोटा से लाए गए 254 छात्र छात्राएं। थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्टिंग के बाद 14 दिन होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत। मुरादाबाद में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता को दी गई श्रद्धांजलि। सामाजिक दूरी और मास्क के साथ मोमबत्ती लेकर निकले लोग। गुजरात से लॉकडाउन के बीच असम पहुंचा एक मजदूर। 25 दिन में पूरा किया 2800 किलोमीटर लंबा सफर। रास्ते में बदमाशों ने 4000 रुपए और मोबाइल लूटा। दिल्ली में लॉकडाउन से बेहाल फूलों के सौदागर। गुलाब बेचने वालों के लिए वक्त की रोटी जुटाना हुआ मुश्किल। सरकार से मदद की गुहार। लॉकडाउन की सख्ती के बीच दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात। पटेल नगर में आपसी झगड़े के बाद एक शख्स की चाकू घोंपकर हत्या। संक्रमण से जूझ रही पुलिस के लिए अपराधियों ने बढ़ाई मुश्किलें। सोनभद्र में क्रशर प्लांट में युवक की पीट पीट कर हत्या। पिटाई का वीडियो वायरल, 4 गिरफ्तार। पुणे के कारोबारी ने तैयार की मशीन। N95 मास्क और पीपी किट सहित किसी भी सरफेस से वायरस खत्म करने में सक्षम होने का दावा। जमशेदपुर में टायर बनाने वाले ने बचाई गर्भवती महिला की जान। 10 मिनट में बदला एम्बुलेंस का टायर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लॉकडाउन के बीच मिट्टी खोदने को लेकर भिड़े 2 गुट। जमकर चले लाठी डंडे। बिहार के सहरसा में पुलिस ने उड़ाया लॉकडाउन का मजाक। बच्चे के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंचे डीएसपी और थाना अध्यक्ष। जमात इस्लामी हिंद के लोगों ने औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में बांटी सेफ्टी किट। स्वास्थ्य कर्मियों को फेस शील्ड और सर्जिकल मास्क भी दिए। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ने तैयार किया 4 वॉल्व वाला वेंटिलेटर। एक साथ 4 मरीजों को दी जा सकेगी ऑक्सीजन।
चंडीगढ़ में सेक्टर 30 का पूरा इलाका सील, एक महिला और परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन। दिल्ली में इलाज के लिए दर दर भटक रहा है कैंसर मरीज, बोला सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं अस्पताल। यूपी के छात्रों की घर वापसी के बाद कोटा में फंसे दूसरे राज्य के छात्रों में निराशा का माहौल, सरकार से कर रहे हैं घर भेजने की मांग। आगरा में लॉकडाउन को लेकर और बढ़ेगी सख्ती, इंटर कॉलेज में बनाई जा रही है जेल। असम के नगांव में बिहू डांस करते नजर आए पुलिसकर्मी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। हैदराबाद में लोगों को जागरूक करने के लिए आर्टिस्ट एसोसिएशन की अनोखी पहल, मुख्य सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लॉकडाउन के पालन की अपील। दरभंगा से लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद ईंट भट्टों में काम शुरू, बिक्री के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार। दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने वालों का फिल्मी गानों के साथ पुलिस कर रही स्वागत, थाने लाकर दर्ज की जा रही है FIR। कोरोना बंदी के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए BSF के जवान, जरूरतमंदों के बीच बांटा मुफ्त राशन और जरूरी सामान। बरेली में वर्चुअल शादी के गवाह बने हजारों लोग, बरेली की कीर्ति और मुंबई में रहने वाले सुशेन ने ऑनलाइन निभाई सारी रस्में। सीएम योगी के पिता का किया गया अंतिम संस्कार, सहारनपुर और देहरादून प्रशासन ने मिलकर किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार का इंतजाम। पंजाब में साधनों की कमी की वजह से खराब हो रही है गेहूं की फसल, कपूरथला की मंडी में बारिश की वजह से गीला हुआ गेहूं। शाहजहांपुर में किसान ने पीएम केयर फंड में किया अपनी फसल का दान, 250 क्विंटल फसल सचिव को सौंपी। कोरोना संकट के बीच गुरुद्वारा बंगला साहिब में लाइटिंग के जरिए दिया गया एकता का संदेश, कोरोना वॉरियर्स को सलामी। थाने में महिला पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल, घरेलू विवाद में उलझे दो गुटों को लाया गया था थाने। केरल के कुवेट्टम में सैनिटाइजेशन काम में जुटा फायर दमकल विभाग, गाड़ियों को और इवन फॉर्मूले के तहत सड़क पर आने की इजाजत। कोरोना संकट के बीच तेल बाजार में कोहराम, जीरो डॉलर से भी नीचे गया कच्चे तेल का दाम, WTI का भाव भी $2 प्रति बैरल से नीचे फिसला। महामारी की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग कम होने से ढहा तेल बाजार, स्टोरेज के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। कोरोना की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में अर्थव्यवस्था चरमराई, अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में 24,77,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 6,45,000 के आसपास। अमेरिका पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार, 42,000 से ज्यादा मौत, मरीजों का आंकड़ा 7,91,000 के पार। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में आज होगा कैबिनेट का विस्तार, दोपहर 12 बजे 5 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। पालघर मामले में 110 आरोपियों को कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा, दो पुलिस वाले सस्पेंड। पालघर मामले पर एक्शन में उद्धव सरकार, मुख्यमंत्री ने ही मामले को सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की। आयकर रिटर्न फॉर्म में किया जा रहा है बदलाव, करदाताओं को मिल सकेगी अप्रैल जून तिमाही के निवेश पर टैक्स छूट। तेल की कीमतों में गिरावट से बिगड़ी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था, बॉन्ड बेचकर पैसे जुटाने की मजबूरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।